हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एस आर्ट। आई एम रीना चैन फॉर लर्निंग फोटोशॉप फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल न्यू अपडेट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विजिटिंग कार्ड इन फोटोशॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विड्थ 3.5, हाइट 2 रखेंगे, इंच में ही रखना है, रिजोल्यूशन 300 रखेंगे, कलर मोड RGB कलर सिलेक्टेड है, बैकग्राउंड कंटेंट व्हाइट सिलेक्टेड है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब इसे स्क्रीन में फिट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए 0 की प्रेस करेंगे। अब हमें एक न्यू लेयर क्रिएट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं न्यू लेयर बन गया, लेयर वन करके। अब हमें इसमें ब्लैक कलर फिल करना है, तो आप देख सकते हैं मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक सेट है ऑलरेडी। अगर आपका नहीं है तो आपको डी की प्रेस करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर ब्लैक सेट हो जाएगा। अब इसमें ब्लैक कलर फिल करने के लिए ऑल्ट की को होल्ड करते हुए बैक स्पेस की प्रेस करेंगे और अब फिल्टर मेन्यू में जाना है और यहाँ से पिक्सलेट के अंदर पॉइंटलाइज का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सेल साइज यहाँ पे 5 रखेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब हम फिर से फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और फिर यहाँ पिक्सलेट के अंदर क्रिस्टलाइज का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेल साइज 100 रखेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमें लेयर वन का ब्लेंड मोड चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ल्यूमिनोसिटी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर लेयर वन की ओपेसिटी कम करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से कम कर लेंगे, 20% कर लेंगे। इसके बाद एंटर की प्रेस करना है और अब रेक्टेंगल टूल है वहां पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टम शेप टूल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से ये वाला शेप सिलेक्ट कर लेंगे, हेक्सागोन वाला। इस पे हॉवर करने पे लिखा हुआ आ जाएगा, आप देख सकते हैं हेक्सागोन, तो इसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे और अब यहाँ पे शेप क्रिएट कर लेंगे। अल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए करेंगे और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसकी साइज कम है तो इसकी साइज और बढ़ा लेंगे। ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए ड्रैग करना है कॉर्नर से बाहर की तरफ और अब इसे यहाँ पे सेट करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है। अब हमें इसका कलर चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे हैश कोड टाइप कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी 303030। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और फिर एंटर की प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रायंगल वाला शेप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे और अब यहाँ पे शेप क्रिएट कर लेंगे। अब हमें इसमें दूसरा कलर फिल करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे हैश कोड टाइप कर लेंगे 00709E। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और फिर एंटर की प्रेस करना है और अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और फिर इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रोटेट 180 डिग्री इसे सिलेक्ट करेंगे और अब ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग करेंगे कॉर्नर से बाहर की तरफ और फिर इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे और अब राइट एरो की से इसे थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमें इसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी है, तो इसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जे की प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट लेयर बन गई। अब हम कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और फिर इसके अंदर राइट क्लिक करना है और यहाँ से रोटेट 180 डिग्री इसे सेलेक्ट करेंगे और अब इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे बॉटम में और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, तो इसके लिए यहाँ से टाइप टूल सिलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट आप देख सकते हैं मॉन्ट सेलेक्ट करके जो फॉन्ट है वो यूज कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, तो जो भी फॉन्ट आपको यूज करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नाम मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे हम बोल्ड ही रखेंगे और टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और 12 सिलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट का कलर हमें ग्रे रखना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हैश कोड टाइप कर लेंगे 303030। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है
योर नेम में नेम को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से रेगुलर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे लेफ्ट में। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे डेजिग्नेशन मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे हम रेगुलर ही रखेंगे और यहाँ पे साइज कम करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और 7 टाइप कर लेंगे। इसके बाद एंटर की प्रेस करना है। इसके बाद कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और अब कस्टम शेप टूल है वहां पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर लेंगे और अब यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करना है और अब रेक्टेंगल का कलर चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे हैश कोड टाइप कर लेंगे 00709E। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और फिर एंटर की प्रेस करेंगे और अब यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। इस रेक्टेंगल का हमें स्क्वायर शेप रखना है तो इसके लिए यहाँ पे विड्थ भी हम 66 पिक्सल कर लेंगे। इसके बाद एंटर की प्रेस करना है और हाइट 66 पिक्सल ही है, आप देख सकते हैं। अब हम कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। अब हमें इसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी है तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जे की प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट लेयर बन गई। अब हम कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और इसे इसके नीचे सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। अब हमें इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर बनानी है तो इसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जे की प्रेस करना है और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब रेक्टेंगल 2 कॉपी करके जो लेयर है इसे सेलेक्ट करना है। अब हमें इसका कलर चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे हैश कोड टाइप कर लेंगे 048BC2। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और फिर एंटर की प्रेस करेंगे और अब रेक्टेंगल 2 करके जो लेयर है इसे सिलेक्ट करना है। अब हमें इसका भी कलर चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे हैश कोड टाइप कर लेंगे 00A9EE। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और फिर एंटर की प्रेस करना है। अब हमें इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट की को होल्ड करते हुए रेक्टेंगल 2 कॉपी 2 करके जो लेयर है इस पे क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और इसके बाद ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए कॉर्नर से ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ और अब इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और अब रेक्टेंगल टूल है वहां पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टम शेप टूल सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से फोन का आइकन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे और अब यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अब हमें इसको व्हाइट कलर देना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे और अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे। इसकी साइज थोड़ी बढ़ानी है तो ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए कॉर्नर से ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ और अब इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मेल का आइकन सिलेक्ट करना है। इसके बाद एंटर की प्रेस करना है और अब यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे लोकेशन का आइकन चाहिए तो इसे फोल्डर से ड्रैग करेंगे और यहाँ फोटोशॉप में लाके इसे ड्रॉप करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर आइकन करके जो लेयर है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रेस्टराइज लेयर इसे सिलेक्ट करना है। अब हमें इस पर सिलेक्शन बनाना है तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए इसके थंबनेल पे क्लिक करेंगे। अब हमें इस आइकन में भी व्हाइट कलर फिल करना है तो आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट है ऑलरेडी। अगर आपका नहीं है तो आपको डी की प्रेस करना है तो ये बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। अब इसमें व्हाइट कलर फिल करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए बैकस्पेस की प्रेस करेंगे और अब इसे डिसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डी की प्रेस करना है और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे। अब हमें इसकी साइज कम करनी है तो ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए कॉर्नर से ड्रैग करना है अंदर की तरफ।
इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, तो इसके लिए यहाँ से टाइप टूल सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ से रेगुलर की जगह बोल्ड सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और साइज 8PT सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करना है और इसे यहाँ पे सेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करना है और इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करना है और इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे कंपनी का लोगो सेट करना है, तो यहाँ से कस्टम शेप टूल सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और अब इसे स्क्रोल अप करेंगे और यहाँ से ये वाला शेप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे लोगो की जगह शेप का यूज कर रही हूँ। इसके बाद एंटर की प्रेस करना है और अब यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अब हमें लोगो में दूसरा कलर फिल करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे हैश कोड टाइप कर लेंगे 048BC2। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और फिर एंटर की प्रेस करेंगे और अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करना है और इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमें टेक्स्ट टाइप करना है, तो इसके लिए यहाँ से टाइप टूल सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंपनी का नाम मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और टेक्स्ट का कलर व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे। इसका हैश कोड आप देख सकते हैं 6F है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट की साइज 10PT सिलेक्ट कर लेंगे और अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करना है और इसे यहाँ पे सेट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे टैगलाइन मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और 6 टाइप कर लेंगे। इसके बाद एंटर की प्रेस करना है और यहाँ से बोल्ड की जगह रेगुलर सिलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करना है और इसे यहाँ पे सेट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमें इन तीनों को थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो पहले इन तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, तो शिफ्ट की को होल्ड करते हुए शेप 5 पे क्लिक करना है और अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारे विजिटिंग कार्ड का फ्रंट साइड डिजाइन हो गया है। अब हम इसका बैक साइड डिजाइन करेंगे, तो इसके लिए फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू पे क्लिक करेंगे और विड्थ 3.5, हाइट 2 रखेंगे, इंच में ही रखना है, रिजोल्यूशन 300 रखेंगे, कलर मोड RGB कलर सिलेक्टेड है, बैकग्राउंड कंटेंट व्हाइट सिलेक्टेड है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब इसे स्क्रीन में फिट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए 0 की प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ पे फ्रंट साइड में जो बैकग्राउंड में हमने डिजाइन रखी थी, वो सेम डिजाइन हमें यहाँ बैक साइड में भी चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ ओपन कर लेंगे फ्रंट साइड को और अब इसे यहाँ से स्क्रोल डाउन करेंगे और फिर लेयर 1 को सिलेक्ट करना है और अब यहाँ से मूव टूल सिलेक्ट करेंगे और अब ऑल्ट की को होल्ड करते हुए इसे यहाँ से ड्रैग करेंगे और दूसरे टैब में लाके इसे शिफ्ट की को होल्ड करते हुए ड्रॉप करना है। अब हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है, तो कस्टम शेप टूल है, वहां पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। अब हमें इसमें दूसरा कलर फिल करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे हैश कोड टाइप कर लेंगे 00709E। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। अब हमें इसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी है, तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जे की प्रेस करेंगे और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करना है और इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे और फिर इसे यहाँ ऊपर सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। अब हमें इसका कलर चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे हैश कोड टाइप कर लेंगे
30303030। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है तो इसके लिए यहाँ से टाइप टूल सिलेक्ट कर लेंगे और अब यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से टेक्स्ट की साइज 8 सिलेक्ट कर लेंगे और अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करना है और इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे कंपनी का लोगो, नाम और टैगलाइन मेंशन करना है जो कि हमने फ्रंट में दिया था, तो हम इसे यहीं से उठा लेंगे। तो पहले इनकी लेयर सिलेक्ट करनी है आपको, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी टैगलाइन वाली लेयर पे और फिर शिफ्ट की को होल्ड करते हुए लोगो वाली लेयर पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये तीनों लेयर सिलेक्ट हो गई। अब हमें इसे दूसरे टैब में ले जाना है तो इसके लिए यहाँ से मूव टूल सिलेक्ट करेंगे और फिर ऑल्ट की को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग करेंगे और फिर दूसरे टैब में होल्ड करना है और फिर शिफ्ट की को होल्ड करते हुए इसे ड्रॉप करना है। टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट है इसलिए शो नहीं हो रहा है, तो इन दोनों टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल की को होल्ड करते हुए दूसरी लेयर को भी सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से टाइप टूल सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे हैश कोड टाइप कर लेंगे 30303030। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए लोगो वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करना है और इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमारे विजिटिंग कार्ड का बैक साइड भी डिजाइन हो गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू विजिटर देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल न्यू अपडेट्स।